यूपी में योगी राज आने के बाद से अब तक यूपी में आए काफी बदलावों के बीच उत्तर प्रदेश में रविवार को होली के दिन योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा दिए मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 7 वर्ष में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, ये 7 वर्ष नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता जनार्दन और सभी सहयोगियों का सहयोग समर्थन के लिए आभार। होली की मंगलमय शुभकामनाएं। कोई सोचता था बिजनौर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज बिजनौर में महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बन चुका है। संबल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अमरोहा मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार ये केवल सपने दिखाती नहीं है, यह हकीकत बुनती है। और इसीलिए मैं देख रहा था यहां ये होल्डिंग कि मोदी जी केवल सपने नहीं देते, वे हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो जनता जनार्दन बार बार मोदी जी को चुनती है, बार बार चुनती है, इसीलिए चुनती है, क्योंकि हकीकत पर जो जमीनी धरातल पर है। अभी इससे पहले हम लोग यहां पे पुलिस एकेडमी में 8000 से अधिक सब इंस्पेक्टर को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा उन्हें बनाया गया। आप सोचो, ये 8000 पुलिस सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश का ही युवा है और आज वह पुलिस इंस्पेक्टर बनकर के उत्तर प्रदेश पुलिस बल में अपनी सेवा देने के लिए समर्पित हुआ है। आज उसका प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, अगले एक सप्ताह के अंदर वह हर थाने में उनकी ड्यूटी लग जाएगी, हर एक जनपद में उनकी नियुक्ति होकर के वे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। बहनों और भाइयों, सरकार की जब नियत साफ होती है तो लोक कल्याण की बात करती है, जनता जनार्दन की बात करती है, विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। और डबल इंजन की सरकार यही तो कार्य कर रही है। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है तो साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं, खुशहाली है, हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है। उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं। रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है, मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़ करके कार्य करना है। और उसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं रामपुर में आया हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी रामपुर में इसी संकल्प को जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको फिर बोलने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वितीय कार्यालय की न्यूनतम उपलब्धियों से सहमति, द्वितीय सफल वर्ष के पूर्ण होने पर देश एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन तथा उनके दिए गए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र के अनुरूप हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव गरीब के विकास व समृद्धि के लिए
संकल्पित है। पिछले 7 वर्षों में हमारी सरकार ने स्कूल, सड़कें, बिजली, आवास, शौचालय, रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं समेत सभी क्षेत्र में विकास के लिए आयाम स्थापित हुए हैं। बता दें कि यूपी में 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। इसके बाद 2022 में बीजेपी ने अपना सत्ता को बचाए रखा और चुनाव में जीत दर्ज की थी।